चलो ओके। सो मैं रुका था यहाँ पे, केरन रेस्टोरेंट, ऊपर इनके गेस्ट हाउस है, ये नंबर है, यहाँ पे आप कांटेक्ट करके ले सकते हो, लेकिन आने से पहले कांटेक्ट करना, क्योंकि यहाँ पे नेटवर्क नहीं मिलेंगे। आने से पहले कांटेक्ट करना, आपको बढ़िया, बहुत बढ़िया मिलेगा सब कुछ यहाँ पे। और इस लोकेशन में होटल सिर्फ एक ही है, बाकी गेस्ट हाउस है। सो चलते हैं आप फटाफट से। और आगे के लिए बताऊं तो आगे एक जगह आ जाती है, एक होटल है। कल मेरे साथ मिस्टेक क्या हुई थी कि मैं वो होटल का रास्ता ढूंढ रहा था, लेकिन बाद में पता लगा कि वो होटल पाकिस्तान का था। तो होता है, यहाँ से ऐसी कन्फ्यूजन होती रहती है। मैं निकलते हैं आप फटाफट से, और आई होप आपको कोबरा पोस्ट का व्लॉग अच्छा लगा होगा। सो अब चलते हैं बंगस वैली की तरफ। अगर आर्मी ने अलाउड करा तो आज जाएंगे, नहीं अलाउड करा तो फिर कल जाएंगे। लेट्स गो। चलो जी ओके। वो ग्लव्स देना, ये भी दे दो। बस चलो ओके ओके। सो अच्छा लग रहा था, ऐसे लग रहा था कि जैसे कोई रिश्तेदार कहीं जा रहा होता है तो सारे परिवार वाले बाहर खड़े होते हैं ना। सो यहाँ पे ऐसा माहौल है, क्योंकि देखो यहाँ टूरिस्ट बहुत कम आता है, इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा टूरिस्ट को बहुत ज़्यादा मतलब माना जाता है। क्योंकि जैसा उन्होंने बताया था कि सोर्स ऑफ अर्निंग, वैसे तो अब आर्मी के साथ काम होते हैं उनके, तो वो सोर्स ऑफ अर्निंग तो है ही है, साथ में टूरिस्ट के लिए ओपन हो गए तो ये भी सोर्स ऑफ अर्निंग हो गई है। सो बढ़िया रहा एकदम सही से सब। अब निकलते हैं हम बंगस वैली की तरफ, लेट्स सी कैसा रहता है। क्योंकि उन्होंने बताया है कि हो सकता है रास्ते में आपको स्नो भी मिलेगी, तो अगर आर्मी ने अलाउड किया तो चले जाएंगे, नहीं अलाउड किया तो नहीं जाएंगे। उनसे पूछ लेंगे कल जा सकते हैं या नहीं, जैसा भी होगा आर्मी से पूछ के जाएंगे। कि जब आप कोबरा पोस्ट के लिए जा रहे होते हो तो आपको परमिट चेक होते हैं, बस ठीक है। लेकिन जब आप वापसी आ रहे होते हो तो आपको परमिट के साथ साथ आपका सामान भी चेक होता है कि आप यहाँ से कुछ लेके तो नहीं जा रहे। सो ऐसा हुआ था, अभी यहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शन चल रही है इनकी। देखोगे ना सारी स्नो पड़ी है ये रात को, इधर भी सारी स्नो पड़ी है। सो मुझे टेंशन भी है थोड़ी कि आगे ना मिले मुझे स्नो, लेकिन मैं जानता हूँ कि मिलेगी। सो जोन से गाड़ियों के निशान है ना, उन्हीं पे चलता रहूँगा मैं, क्योंकि यहाँ बहुत स्नो पड़ी है कल, लगता है ऐसे, लगता ही नहीं, दिख रहा है। सही है, देखो। ओह माय गुडनेस। सो वैसे तो मुझे आर्मी वालों ने नीचे ही बता दिया था कि ऊपर स्नो पड़ी हुई है, तो ध्यान से जाना, जा सकते हो, मतलब ऐसा कोई ऐसा बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन पड़ी हुई है तो ध्यान से। मैं कहा ठीक है सर। सो इट्स बेटर कि आप स्नो के बीच में बहुत धीरे से चलाएं, जहाँ जहाँ स्नो पड़ी हुई है। हाँ जब वो पानी बन जाए तो फिर थोड़ा ठीक है, कोई इतनी ऐसा दिक्कत नहीं होगी आपको।
आगे स्नो है? है लेकिन ट्रैक खुला है, साइड का खुला हुआ है। चलो ठीक, थैंक यू। सो कोई दिक्कत नहीं है, मैंने पूछा उनसे, कह रहा है खुला हुआ स्नो है लेकिन ट्रैक खुला हुआ है आपका। अब बढ़िया है, अब टेंशन नहीं हमने अपने को, बस किसी तरह से बंगस वैली के लिए भी मेरे लिए रास्ता ओपन हो जाए तो फिर मज़ा आ जाए। क्या यहाँ पे एक शूट करने का, तो ये देखो, लेकिन आगे और भी ज़्यादा स्नो है, तो देखते हैं बस आराम से पहुँच जाए। किसी का भी देखो, अभी देख लो यहाँ पे कितनी ज्यादा स्नो पड़ गई है। ये सिर्फ कल कल में पड़ी है, ये कल कुछ भी नहीं था, ये रात को सब पड़ी है। और ये मेरा ट्रैक है, ये बस ट्रैक हमें फॉलो करना है और निकल जाएंगे। स्नो देख लो कितनी पड़ गई है। तो अभी मुझे पीछे किसी ने बताया कि आपके गोडे गोडे तक स्नो आएगी, लेकिन आपके लिए ट्रैक बना हुआ है। बहुत सी फोटोग्राफ्स क्लिक करी हैं, सो सारी फ़ोटोज़ ना आपको इंस्टाग्राम पे मिलेंगी टाइम टू टाइम। सो नीचे इंस्टाग्राम की मेरी आईडी आ रही है, फॉलो ज़रूर कर लेना। सो अभी स्नो सारी ख़त्म हो गई है, अब बिल्कुल नॉर्मल रोड चल रही है, बट हल्की हल्की गीली हैं क्योंकि बारिश आई थी रात को, बाकी अभी कोई बारिश नहीं आ रही। और सेकेंड, जो बंगस वैली में जाना था वहाँ नहीं जा सकते क्योंकि उन्होंने बोला है कि वो रास्ता ब्लॉक कर दिया गया, वहाँ पे 3-3 फुट की बर्फ़ पड़ी हुई है। सो इसलिए बंगस वैली का हो गया प्लान कैंसिल। अब हम चलते हैं वापस श्रीनगर, श्रीनगर में स्टे करेंगे और आपको लेके चलते हैं अब श्रीनगर की तरफ दोबारा से। कल भी आए थे, आज फिर दोबारा। मेरा बड़ा मन था बंगस वैली में, वहाँ पे बेसिकली उन्होंने बताया कि वो क्या है जगह, कि आपकी सड़क प्लेन है, जब आप उस पर पैर मारोगे ना तो वो हिलती है, आपकी सड़क हिलती है। आई डोंट नो कि क्या है, किस तरह से है, मैंने नहीं देखा और मैंने ना कभी सुना था। तो नीचे जाके जैसे इंटरनेट आएगा तो एक बार देखेंगे भी बंगस वैली। सो वो भी पूरा आर्मी के अंडर रिस्ट्रिक्टेड एरिया है, लेकिन सुन के तो ज़बरदस्त जगह लग रही है। लेट्स सी कभी जाएंगे इन फ्यूचर। अभी लेके चलते हैं आपको श्रीनगर। एक टोटल 5 चेक पोस्ट आते हैं, आई थिंक मैंने कल आपकी वीडियो में, अपनी वीडियो में आपको 5 की जगह 4 बोला था। 5 चेक पोस्ट आते हैं जहाँ पे चेकिंग होती है, 4 अभी निकल चुके हैं, 1 अभी और आना है। फाइनली आई एम बैक टू करालपुरा, सेफ एंड साउंड। बहुत सही जर्नी रही। तो बेसिकली वो चीज़ सही थी उन मेरे लिए ना, ऑलरेडी क्या कुदरत का करिश्मा कि मेरे लिए ऑलरेडी ट्रैक बना हुआ था। तो क्योंकि वो रोड बहुत चलती रहती है, इंडियन आर्मी तो नहीं रुकेगी, इंडियन आर्मी तो काम में हमेशा 365 दिन करती है, तो वो उनके ट्रक चलते रहते हैं और दूसरे लोकल्स जो उनसे हैं वहाँ पे वो भी थोड़ा बहुत जाते हैं। सो उस चक्कर में कि ट्रक के टायर के निशान बने ही रहते हैं हर वक्त, तो वो बने रहते हैं, तो उन्होंने मुझे कहा कि वो पकड़ते पकड़ते ही निकल जाना, कोई दिक्कत नहीं आएगी। बाकी बर्फ़ पड़ी हुई है लेकिन इतनी भी नहीं है कि आप कोई दिक्कत हो आपको। ट्रैफिक देख के समझ सकते हो कि करालपुरा पहुँच गया हम। सो यहाँ से अब मुझे जाना है कहाँ के लिए, श्रीनगर के लिए। उससे पहले किसी आर्मी वाले सर से ये कंफर्म करना कि बंगस वैली खुली है या नहीं। मैं फटाफट इसलिए बोल रहा हूँ, सर्दी के कमारे बैटरी ड्रेन हो जाती है, फटाफट बंद हो जाती है, तो उसको फटाफट से मुझे चार्जिंग पे भी लगाना पड़ता है, साथ साथ चार्जिंग के लिए पॉइंट रखा हुआ हमने, ऐसी बात नहीं है, जुगाड़ पूरा आपके सामान के लिए, आपके लिए वीडियोस सभी आती रहेंगी। अगर ऐसे में छुपा, अगर मेरी बैटरी नहीं चार्ज होगी तो मैं वीडियो कैसे बनाऊंगा आपके लिए, समझ गए ना। चलो अब चलते हैं फटाफट से बाहर की तरफ, किसी से बात करते हैं। और वैसे अपना बैटरी भी ड्रेन नहीं हो रही क्योंकि हम नीचे आ गए ना ऊपर से सर्दी से। 15 मिनट की बहुत तगड़ी वाली
डिस्कशन करके आर्मी वाले सर के साथ हमने फाइनल डिसीजन ये किया है कि हम बंगस वैली नहीं जा रहे हैं, क्योंकि वो वहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड है, बहुत बर्फ बहुत ज़्यादा पड़ी हुई है, तो यात्री अपना आप खुद जिम्मेदार है। तो मैंने कहा ठीक है सर नहीं जाएंगे। नहीं ऐसा नहीं, उन्होंने सिंपल कहा, कह रहे नहीं आपको जाने भी, वैसे तो आप जाओ भी मत, सेकंड आपको जाने भी नहीं देंगे। मैंने कहा बस बात ही ख़त्म होगी। फिर दोस्तों बहुत ज़्यादा अंधेरा हो गया था, तो जिस वजह से ना मैं व्लॉग ही नहीं कर रहा था, मतलब हुआ नहीं था, बट मैंने कहा क्या आपको सेम चीज़ दिखाऊंगा और व्लॉग भी बहुत लंबा हो जाएगा, क्योंकि आज स्नो में ही काफ़ी लंबा व्लॉग हो गया। दोस्तों मैं बैठा हुआ था डेटा कॉपी करने, तो ध्यान आया कि यार वीडियो तो एंड ही नहीं करी। तो अभी वीडियो एंड कर रहा हूँ मैं। सो आपको आज पसंद आया होगा, पक्का ज़रूर पसंद आया होगा। अगर नहीं पसंद आया ना तुम मेरे से बात मत करना। सो आपको क्या करना है, यू नो द ड्रिल, वीडियो लाइक कर दो, कमेंट कर दो, बढ़िया सा शेयर कर दो अच्छे से अपने दोस्तों के पास। और अगर आप विज़िट करना चाहते हो, मैंने आपको नंबर डाल दिया है, नंबर पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो, वहाँ पे आपको स्टे करने के लिए अच्छी जगह मिल जाएगी। सो मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन बाय बाय, दिस इज़ गुरप्रीत साइनिंग ऑफ। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय। और मज़ा आया ना आज पीओके को बॉर्डर देख के, मेरे को तो बहुत मज़ा आया। चलो बाय।